हेलो गाइस, वेलकम टू थकते 360। तो बात करते हैं फाइटर की। फाइनली मूवी का ऑफिशियल टीजर आ गया है एंड मूवी रिलीज हो रही है अगले साल सेम पठान के रिलीज डेट पे, यानी 25 जनवरी को। और डायरेक्टर भी सेम है, सिद्धार्थ आनंद की ऋतिक रोशन के साथ। ये तीसरी मूवी है आफ्टर ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक बैंग बैंग एंड वार। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आ रहे हैं और देखने में काफी अमेजिंग लग रही है दोनों की केमिस्ट्री, और नॉटी नॉटी हरकतें भी कर रहे हैं। मूवी में एक और लीड एक्टर है अनिल कपूर। अगर आपको पता नहीं है तो फाइटर की इनिशियल रिलीज डेट थी 30th September 2022 और ये इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म होने वाली थी, पर मूवी पोस्टपोन हो गई और ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए कंगना रनौत ने अपनी मूवी तेजस को इसी साल 27th October को रिलीज कर दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मूवी ने 5.6 करोड़ के अराउंड कलेक्शन किया एंड इसका जो VFX था भाई साहब, सुभान अल्लाह। लेकिन एक खुशी मिलेगी कंगना को, क्योंकि अब फाइटर के मेकर्स वो इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म वाला टैग यूज नहीं कर रहे। खैर, टीजर काफी अच्छा था, एक्शन पैक था। ऋतिक रोशन एज स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी, दीपिका पादुकोण एज स्क्वाड्रन लीडर मिनल राठौर उर्फ मिनी एंड अनिल कपूर एज ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह उर्फ रॉकी, ये तीनों के झलक हमें टीजर में देखने को मिलते हैं। हालांकि मूवी के विलेन के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, पर एज पर रिपोर्ट करण सिंह ग्रोवर भी मूवी में है तो शायद वो मूवी के विलेन हो। बट हाँ, एक ही डर है कि फिर से इंडिया पाकिस्तान एंगल होने के बहुत हाई चांसेस है, जो कि पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। पर एक चीज के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ और वो है मूवी के लोकेशंस। काफी अलग अलग लोकेशन में मूवी को शूट किया गया है और इसमें से एक है तेजपुर असम। मैं खुद असम से बिलोंग करता हूँ और तेजपुर मेरे घर के काफी नजदीक है, तो समझ सकते हो वो एक्साइटमेंट होती है। इसके अलावा एक और रीजन है, ईयर 2018 से 2019 के बीच मैं इंडियन एयरफोर्स में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और एयरफोर्स बेस आना जाना मेरा रोज का काम था। इसी वजह से बहुत सारी चीजें मैं रिलेट कर पाऊंगा जब मूवी देखूंगा, तो एक्साइटमेंट तो भाई काफी है। मूवी का VFX बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। टीजर में हालांकि ठीक ही लगा मुझे जो भी एरियल सीन्स थे। बाकी मूवी का BGM भी दमदार लग रहा है, जो एक वंदे मातरम सॉन्ग को हाईलाइट किया जा रहा है वो काफी हिट होने वाली है। मूवी को ऑब्वियसली टॉप गन मैवरिक के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब सिमिलरिटीज तो भाई मिलेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इतने सारे मूवीज तो रिलीज हो चुके हैं, पर देखते हैं फाइटर हमें क्या नया दिखाती है। सो ओवरऑल द टीजर इज गुड, एक्सपेक्टेशंस हाई है। ट्रेलर आने से कहानी के बारे में ज्यादा आइडिया हो जाएगा, बाकी मूवी देखने तो भाई जरूर जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल के बाकी कॉन्टेंट भी चेकआउट करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट। We'll be right back.